देश की राजधानी दिल्ली आज भीषण जाम की समस्या से जूझ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। राजधानी के साथ ही नोएडा गाजियाबाद में भी जाम का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से रूट डाइवर्ट किया गया है। महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाने को लेकर दिल्ली के कई रास्तों में भी जाम लग गया है। गाड़ियां धीरे धीरे रेंग रेंग कर चल रही है और कई जगहों पर घंटों से लोग फंसे हुए हैं। नोएडा से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते में भारी जाम है। मयूर विहार, सरिता विहार, कालिंदी कुंज आदि इलाकों में भी गाड़ियां घंटों फंसी हुई हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे जाने वाले रास्ते में भी भारी जाम है। जाम का हाल यह था कि 20 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है। नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पर भी लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 9 बजे से राजपथ पर शुरू हो गई। इस रिहर्सल की वजह से दिल्ली के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक में जरूरी फेरबदल किए गए हैं और इसके साथ ही कई बड़े रूट में बदलाव किया गया है। तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां आज रेंगती हुई नजर आ रही है। लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ रहा है और दिल्ली का तो सुबह से ही बुरा हाल है। देखते रहिए DB Live।